स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, गरीबों के घर, गैस कनेक्शन, सभी विकास परियोजनाओं की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। जी हाँ दोस्तों, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी लाइव आकर संपूर्ण देशवासियों को किया है संबोधित, कर दिए हैं कई बड़े ऐलान, साथ ही संपूर्ण देश में लागू कर दिए हैं ये चार नए नियम। वहीं देश भर के सभी गरीबों के लिए सरकार का हुआ ऐलान, दिवाली से पहले गरीब महिलाओं को एक एक स्मार्टफोन देगी सरकार, साथ ही फ्री सिम और इंटरनेट डेटा भी देगी सरकार। लेने के लिए बस आपको करना होगा ये छोटा सा काम। आपको बता दिया जाए कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से संपूर्ण देशवासियों को लाइव आकर संपूर्ण देश में अभी कुछ नए बड़े बदलाव किए गए हैं, साथ ही चार नए नियम भी लागू किए गए हैं जिनकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा देश के सभी गरीब महिला, बुजुर्ग एवं किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान हुए हैं, जिसमें सभी लोगों को आज रात से मिलने वाले हैं 4,000 रुपए, साथ ही किसी किसी को मिलेंगे 10,000 रुपए। इसके संपूर्ण जानकारी देंगे किस प्रकार से आपको भी ये फायदा मिलेगा। इसको लेने के लिए आपको बस एक काम करना है कि अंतिम तक वीडियो में बने रहकर संपूर्ण जानकारी को ले लेना है। और वहीं अगली बड़ी खबर, कल से आटा दही पनीर हो जाएगा महंगा, अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए भी देने होंगे ज़्यादा पैसे। जी हां भाइयों और बहनों, एक बड़ी खबर आ रही है कल से सरकार की ओर से, हमारी देश के माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की ओर से कुछ नए यहां पर बदलाव किए गए हैं, जिसमें आटा दही पनीर खरीदना महंगा हो जाएगा। यही नहीं, अब आप यदि अस्पतालों में इलाज करवाने जा रहे हैं तो उसके लिए भी अब आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। बेड अगर बुक करवाते हैं तो भी अब आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। इसकी संपूर्ण जानकारी कितने कितने रुपए तक बढ़ोतरी होने वाली है, अब आटा दही पनीर कितने रुपए तक महंगा होने वाला है, एक एक करके संपूर्ण जानकारी थोड़ी देर में बताई जाएगी। साथ ही में हमारे चैनल पर एक जबरदस्त ऑफर चलाया जा रहा है, जिसके तहत आप यदि कुछ प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, सही जवाब होते हैं, तो आपको ये फोन जो है क्विज में आप भी जीत सकते हैं। प्रश्न ये है कि देश के माननीय राष्ट्रपति कौन है, इसकी अगर आप जानकारी लिख देते हैं और कमेंट बॉक्स में आप ये बता देते हैं, साथ ही 10 लोगों को वीडियो शेयर कर देते हैं, तो आप भी ये फ़ोन इस क्विज में जीत सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, मोदी सरकार गरीबों को लेकर कर चुकी है बड़ा ऐलान। अगर आप भी अपना काम या फिर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार देगी 50,000 रुपये का लाभ, लेने के लिए भरें ये फॉर्म, खाते में आ जाएगा पैसा। जी हाँ भाई और बहनों, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से देश के उन गरीब लोगों के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है, जो लोग अपना कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का सरकार फायदा दे रही है, जिसमें आप भी लेने के लिए ये फॉर्म भर सकते हैं और खाते में पैसा आ जाएगा। तो आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी कैसे लेना है फायदा और कौन सी योजना ये चलाई जा रही है। इसी के साथ शादीशुदा लोग जल्द करवा लें राशन कार्ड से जुड़ा यह छोटा सा काम, वरना राशन मिलना हो जाएगा बंद, होगा भारी नुकसान। जी हाँ, अगर आपके भी घरों में राशन कार्ड बन चुका है, परिवार का राशन कार्ड है, और अगर आपने उस छोटे से काम को नहीं करवाया तो आपका राशन कार्ड हो सकता है बंद। इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे कौन सा काम है जो कि आपको करवा लेना चाहिए वरना भारी नुकसान हो सकता है, अभी आपको थोड़ी देर में मिलेगी संपूर्ण खबर। इसी के साथ कोरोना के चलते यहाँ फिर से स्कूलों को किया गया बंद, मास्क लगाना भी हुआ जरूरी। जी हाँ, देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मद्देनजर कुछ राज्यों में स्कूलों को किया गया बंद, एक बड़ी खबर आ रही है। संपूर्ण देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बीच कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, साथ ही कहीं कहीं पर स्कूलों को भी किया जा रहा है बंद, तो इसकी पूरी जानकारी देंगे। क्या आपके भी राज्यों में स्कूल बंद होने वाले हैं, बंद होंगे तो कितने दिनों के लिए, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे, और कोरोना को लेकर कितने मामले कहां कहां बढ़े हुए हैं इसकी भी संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। इसी बीच ऑटो रिक्शा टैक्सी में भी अब सफ़र करना पड़ेगा महंगा, किराए में होने जा रही है 20 रुपये तक की बढ़ोतरी। जी हाँ, अगर आप भी यात्रा करने जा रहे हैं, सफ़र करने जा रहे हैं ऑटो टैक्सी या फिर रिक्शा से, तो अब आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे, किराया होने जा रहा है महंगा, इसकी संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी कहाँ कहाँ पर यह महंगाई होने वाली है। इसके अलावा बैंक में जमा आपके पैसों पर अब मिलेगा ज़्यादा ब्याज, लागू हो सकती हैं नई दरें, RBI की ओर से दी गई जानकारी। दरअसल अगर आपके भी बैंक खाते में पैसे जमा हैं तो अब आपको ज़्यादा ब्याज मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ी खबर आ रही है, बैंकों में अब जो ब्याज दरें होती हैं वो बढ़ सकती हैं, तो कितने कितने इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ने वाला है, यानी कितने रुपए तक या फिर कितनी दरें जो हैं बढ़ने वाली हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगी। इसी बीच जियो कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई बड़ी खबर, जियो कंपनी के ग्राहकों को जियो ने दिया धमाका ऑफर, मिलेगा पूरे एक साल तक 100 GB डेटा, साथ ही स्मार्ट सिम भी देगी कंपनी। दरअसल अगर आपके पास भी जियो कंपनी का सिम है तो आपको एक बड़ा ऑफर लेकर आई है कंपनी, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो संपूर्ण जानकारी को अंतिम तक बने रहकर जान लीजिए।
इसी बीच सरकार 1 जुलाई से गरीबों को दे रही मुफ्त बिजली। 51 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ, नहीं देना होगा एक भी रुपया। जी हाँ, अगर आप भी यहाँ पर गरीब हैं, देश के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, तो आपके लिए सरकार की ओर से एक राज्य सरकार है जो कि आपको फायदा दे रही है, जिसमें आपको मुफ्त में बिजली मिलेगी। इसकी पूरी जानकारी देंगे, कहां पर बिल्कुल फ्री बिजली दे रही है सरकार और जीरो बिल आपको भरना होगा, यानी एक भी रुपए का बिल आपको नहीं देना है, इसकी पूरी जानकारी बताई जाएगी। तो भाई और बहनों, चलिए बात करते हैं हमारी आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की। किसान जल्द करवा लेंगे काम वरना बैंक खाते से कट जाएगा पैसा, नहीं मिलेगा सरकारी योजना का लाभ। जी हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है देश भर के किसानों के लिए। जिन किसानों ने अपना फसल बीमा करवा रखा है, उनके लिए सरकार की ओर से एक बड़ी खबर। अगर आपने अपना 24 जुलाई से पहले ये काम नहीं करवाया, तो बैंक खाते से ऑटोमेटिक ही पैसा कट जाएगा। दरअसल जिन किसानों को फसल बीमा का कराना है, उन्हें जल्दी से जल्दी जुलाई के 24 तारीख से पहले पहले समय मिला है। उससे पहले यदि आपने अपने फसल बीमा योजना से जुड़ा हुआ प्रीमियम नहीं भरा, तो ऑटोमेटिक ही 24 जुलाई के बाद कट जाएगा। आपको बता दीजिए, बैंकों को लिखकर नहीं देने वाले किसानों की फसल बीमा का प्रीमियम राशि यहां पर काट ली जाएगी ऑटोमेटिक ही, और आपको पता भी नहीं चलेगा। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से उन किसानों को फसल बीमा दी जाती है जो किसान अपनी फसल को लेकर पैसा लेना चाहते हैं। यदि फसल किसी प्रकार से बर्बाद हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके चलते सूखा पड़ जाता है, फसल खराब हो जाती है, तो सरकार उसका पैसा देती है। तो आपको भी यहां पर यह काम करवा लेना है। और वहीं एक और बड़ी खबर, दिवाली से पहले राजस्थान सरकार महिलाओं को देगी एक एक स्मार्टफोन बिल्कुल मुफ्त, साथ ही 3 साल के लिए फ्री में सिम और इंटरनेट भी देगी सरकार। जी हां, देश की एक राज्य है राजस्थान, जहां की गहलोत सरकार की ओर से दीपावली से पहले महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान हुआ है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान कर दिया है। सरकारी अधिकारियों ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है, और कहा जा रहा है कि 1 साल में ये पूरे स्मार्टफोन बांटे जाएंगे गरीब महिलाओं के बीच में। बता दी जाए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ये 1,33,00,000 महिलाओं को एक एक स्मार्टफोन बिल्कुल मुफ्त में दिए जाने का ऐलान हुआ है। इसमें आपको 3 साल के लिए बिल्कुल मुफ्त में इंटरनेट भी दिया जाएगा, यानी स्मार्टफोन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको 3 साल तक के लिए बिल्कुल फ्री में इंटरनेट इस्तेमाल करने की सुविधा भी मिलेगी, और फ्री में सिम कार्ड भी सरकार देने वाली है। और वहीं सोने और चांदी को लेकर आई बड़ी खबर, सोने की कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट, तो वहीं चांदी भी हुआ सस्ता। जी हां, आपको बता दी जाए, सोने और चांदी की नई ताजा कीमतें जारी हो चुकी हैं, और खुशखबरी आ रही है क्योंकि इस हफ्ते सस्ता हो गया है सोना। चांदी के भी कीमतों में 1,700 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। अगर आप सोना या फिर चांदी खरीदना चाह रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। आपको बता दी जाए कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन साइट के मुताबिक 11 जुलाई को सोने के भाव 50,924 प्रति 10 ग्राम चल रहे थे, लेकिन 17 जुलाई यानी आज की तारीख में ये जो है सोने की गिरावट हो चुकी है, कीमतों में 50,000 रुपए पर आ चुका है सोना खिसक कर, यानी 50,000 रुपए में आपको 10 ग्राम सोना मिलेगा। और वहीं चांदी भी 1,700 रुपए घटकर अब यहां 54,767 रुपए प्रति किलो पर आ चुकी है। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, कल से आटा दही पनीर खरीदना हो जाएगा महंगा, अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए भी देने होंगे ज़्यादा पैसे। जी हां, आपको बता दिया जाए कि यहां पर अगर आप अस्पतालों में इलाज करवाने जा रहे हैं, या फिर कल से आटा दूध दही कुछ भी खरीदने वाले हैं, पनीर खरीदने वाले हैं, तो अब आपको कल से ये सभी चीज़ें महंगी पड़ने वाली हैं। सरकार की ओर से बड़ा ऐलान हो चुका है, GST नई दरें लागू होने जा रही हैं इन नई कीमतों पर, जिसके चलते आटा दही और पनीर के लिए आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। वहीं अगर आप अस्पतालों में बेड बुक कराते हैं, यानी मरीज का इलाज करवाने जाते हैं, तो भी आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। पैक्ड दही दूध मक्खन पनीर ये सभी चीज़ें कल से महंगी होने वाली हैं। मोदी सरकार की ओर से यहाँ पर इन सभी चीज़ों पर नई GST की दरें लागू होने वाली हैं, जिसके चलते इन सभी कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है। आपको बता दें कि 18 जुलाई से नॉन ब्रांडेड खाने वाले वस्तुओं पर 5% GST लागू होने वाला है, इससे कीमत में बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ गरीबों को भी अब यहाँ पर महंगाई का झटका लगने वाला है। और वहीं एक और बड़ी खबर, शादीशुदा लोग जल्द करवा लें राशन कार्ड से जुड़ा ये छोटा सा काम, नहीं तो राशन मिलना हो जाएगा बंद। जी हाँ, आपको बता दीजिए, राशन कार्ड आपका बना हुआ है, तो राशन कार्ड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। अगर आपने अपने राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है छोटा सा काम नहीं करवाया, तो बड़ा झटका लगेगा। दरअसल राज्य सरकारों की ओर से लोगों को जो राशन कार्ड जारी किया जाता है, उसमें आपको यदि परिवार का कोई नया सदस्य आया है, तो अब आपको यहाँ पर जो है उस नए सदस्य को अपने राशन कार्ड में अपडेट कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपका जो राशन है उसके नाम का नहीं मिलेगा। साथ ही साथ
आपको यहाँ पर एक और काम करवाना होगा जिसमें आपका पिछला यानी कि जहाँ पर भी आप पहले रहते थे या फिर आपकी शादी हुई है तो उनका नाम आपको उसमें जुड़वाना होगा और पहले जहाँ रहते थे वहाँ से आपको कटवाना होगा। नहीं कटवाएंगे तो आपका राशन मिलना बंद हो जाएगा और ये दिक्कत आपको हो सकती है। और वहीं एक और बड़ी खबर, मोदी सरकार का ऐलान, गरीबों को 10,000 से लेकर 50,000 रुपए देगी सरकार। अगर आप भी अपना काम या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फटाफट से भरें ये फॉर्म, खाते में आएगा पैसा। जी हाँ, आपको बता दी जाए कि अगर आप भी गरीब हैं और अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं हैं तो मोदी सरकार आपकी मदद करने के लिए एक योजना की शुरुआत कर चुकी है जिसमें आपको यहाँ पर सरकार की ओर से बिना गारंटी बिजनेस लोन मिलने वाला है। कोरोना महामारी के दौरान हजारों लोग अपना रोजगार गंवा बैठे हैं, ऐसे में अब कुछ लोगों के पास में पैसे नहीं है अपना काम शुरू करने के लिए। ऐसे में देश की माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, मोदी सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जितने भी रोजगार शुरू करना चाहते हैं जो गरीब व्यक्ति हैं उनको 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। लेकिन इसे लेने के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना अनिवार्य है, साथ ही साथ एक बैंक खाता भी होना चाहिए। इसे लेने के लिए कोई भी स्ट्रीट वेंडर यानी कि अगर आप दुकान अपनी शुरू करना चाहते हैं, कोई फल सब्जी का ठेला लगाना चाहते हैं तो आपको भी ये पैसे मिल सकते हैं, रेहड़ी पटरी लगाना चाहते हैं तो भी 10,000 रुपए सरकार से ले सकते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत आपको इसके लिए लेने के लिए आवेदन बैंक में करना होगा। और एक और बड़ी खबर, जियो का धमाका ऑफर, जियो कंपनी का सिम इस्तेमाल करने वालों को कंपनी की ओर से 1 साल के लिए दिया जा रहा है 100 GB डेटा बिल्कुल मुफ्त। जी हां, रिलायंस जियो ने एक नए शानदार ऑफर का ऐलान किया है। कंपनी सिम कार्ड सपोर्ट ऑफर करने वाले स्मार्ट LTE लैपटॉप के लिए जियो ऑफर्स का ऐलान कर दिया है जिसमें कंपनी यानी कि जियो कंपनी की ओर से मात्र 1500 रुपए में 100 GB डेटा 365 दिनों के लिए, मतलब कि पूरे 1 साल के लिए मुफ्त में दिया जा रहा है। इसमें आपको 100 GB डेटा मुफ्त मिलेगा, साथ ही साथ एक नया और स्मार्ट जो सिम होता है लैपटॉप का वो भी कंपनी की ओर से बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, गरीबों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब सरकार 1 जुलाई से दे रही है बिल्कुल मुफ्त बिजली, नहीं भरना होगा 1 भी रुपए का बिल। जी हां, आपको बता दें अगर आप पंजाब वासी हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को एक बड़ी जानकारी दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंजाब के लगभग 51 लाख घरों को सरकार की ओर से मुफ्त में बिजली मुहैया कराई जा रही है। इसमें 1 जुलाई से 300 यूनिट मुफ्त में बिजली सरकार दे रही है और इसके लिए जो गरीब व्यक्ति हैं उनको किसी भी प्रकार का पैसा भी भरने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको यहाँ पर जो है 0 बिल आएगा, आपको 1 भी रुपए का बिल नहीं भरना होगा और 300 यूनिट आपको मुफ्त बिजली हर महीने मिलती रहेगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन सरकार ने जानकारी दी है, कहा है कि अगर आप 1 भी यूनिट 300 यूनिट से 1 भी यूनिट ऊपर खर्च कर देते हैं तो आपको पहले जैसे ही पैसे चुकाने होंगे। खुशखबरी, खाने का तेल होगा सस्ता। इंडोनेशिया ने लिया बड़ा फैसला, देश में अब गिरेंगी खाने के तेल, सरसों के तेल की कीमतें। जी हां, आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर है, ये खाने का तेल बहुत जल्द सस्ता होने वाला है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि इंडोनेशिया के निर्यात को बढ़ावा देने और हाई इन्वेंट्री को कम करने के लिए 31 अगस्त तक सभी पाम तेल प्रोडक्ट्स के लिए अपने निर्यात शुल्क को खत्म कर दिया है, जिसके चलते अब पूरे संपूर्ण भारत में जो खाने का तेल है, सरसों का तेल है, इन सभी के तेलों की कीमतों में गिरावट आने वाली है। यानी तेल तिलहन सरसों की कीमतों में, सोयाबीन तेल तिलहन, साथ ही पामोलिन के तेल की कीमतों में जल्दी गिरावट आएगी। मूंगफली और कच्चे पाम तेल कीमतों में भी सुधार देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि जल्दी यहां पर जो है इस फैसले के चलते संपूर्ण देश में सरसों का तेल, खाने का तेल सस्ता होने वाला है।